971 ईस्वी में महमूद गजनवी का जन्म यमनी वंश के तुर्क सरदार एवं गजनी के शासक सुबुक्तगिन के घर हुआ था। गजनवी मात्र 27 वर्ष की आयु में गजनी के सेनाध्यक्ष बन गया था। इसके बाद ये मध्य अफगानिस्तान का शासक बना। भारत पर महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया था, जिसमें से कुछ का विवरण निम्नलिखित हैं। प्रथम बार हिंदू शाही राजवंश के शासक जयपाल के विरुद्ध गजनवी ने सन 1001 ईस्वी में आक्रमण किया था, जिसमें जयपाल पराजित होकर आत्महत्या कर लिया था। आनंदपाल को सन 1008 ईस्वी में युद्ध में हराया। सन 1021 ईस्वी में उदंडवडपुर को जीत लिया था। त्रिलोचन पाल को सन 1013 ईस्वी में युद्ध में पराजित किया था। भटिंडा के शासक विजयराम को सन 1005 ईस्वी में पराजित किया। सन 1006 ईस्वी में मुल्तान को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। नारायणपुर के व्यापारिक नगर पर सन 1009 ईस्वी में आक्रमण किया था। सन 1014 ईस्वी में थानेश्वर पर आक्रमण कर चक्रस्वामी मंदिर को नष्ट और लूटपाट किया। सन 1018 ईस्वी से 19 ईस्वी में मथुरा एवं कन्नौज पर आक्रमण किया था। कन्नौज पर प्रतिहार शासक राजेपाल का शासन था। महमूद के आक्रमण के समय राजेपाल भाग गया। सामंत विधाधर ने राजेपाल की हत्या कर दी थी। सन 1021 ईस्वी में कालिंजर पर आक्रमण किया था। कालिंजर का तत्कालिक शासक वीराधर वहां से भाग गया था। महमूद गजनवी पुनः 1023 ईस्वी में कालिंजर पर आक्रमण किया और वीराधर से संधि कर ली थी। सन 1025 ईस्वी में सोमनाथ पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया तथा यहाँ के लकड़ी के बने मंदिर को जला दिया। इसी मंदिर को बाद में गुजरात के शासक भीम ने पत्थरों और ईंटों से बनाया था। गजनवी 1027 ईस्वी में अंतिम आक्रमण जाटों पर किया, जो जाटों के विरुद्ध था। 1030 ईस्वी में मलेरिया के कारण महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई। महमूद गजनवी के शासन के अधीन अफगानिस्तान, फारस तथा पंजाब के कुछ क्षेत्र शामिल थे। गजनवी के शासनकाल में फारसी संस्कृति तथा फारसी भाषा का विकास हुआ।